दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर परिसर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दक्षिणमुखी सार्वजनिक हनुमान मंदिर बाबूपेट चंद्रपुर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में उद्घाटक के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनकी प्रमुखता से उपस्थित थी, तो वहीं अध्यक्ष निर्मल सिंह ठाकुर साथ ही प्रमुख अतिथि नगर सेवक तथा जोन सभापति क्रमांक 2 श्याम बाबू कनकम, कमल स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष रघुवीर अहीर, युवा नेता मोहन चौधरी, नगर सेविका कल्पनाताई बगुलकर, ज्योतिताई गेडाम, नीलम आक्केबार, समाज सेवक अशोक भाव आक्केबार आदि मान्यवर साथ ही स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनके हाथों महान स्मृति के तैलचित्र को पुष्पमाला अर्पण कर की गई। इसमें विद्यार्थियों ने स्वागत गीत पेश किया। इसमें मान्यवरों का स्वागत सत्कार किया गया। प्रत्येक जरूरतमंद मरीज को रक्त उपलब्ध होने मुताबिक रक्तदान शिविर का आयोजन होना चाहिए और पवित्र कार्य के लिए युवकों ने समर्पण वृत्ति से रक्तदान करें, ऐसा आह्वान इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर ने किया। रक्तदान शिविर की शुरुआत हुई। इस शिविर के माध्यम से अनेक युवकों ने आगे आकर रक्तदान का महत्व ध्यान में लेते स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। पश्चात इस आयोजन के माध्यम से पर्यावरण संवर्धन के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। तत्पश्चात व्यायामशाला का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। मैं अनेकदा असे कार्यक्रम जाणून अटेंड करतो सोडत नाही। दरवर्षी आम्ही सुद्धा आमच्या कुटुंबातून एक कार्यक्रम घेत असतो आणि असे कार्यक्रम घेऊन आपण एक सामाजिक जिम्मेदारी सगळ्यांची आहे। सरकार एक मेडिकल कॉलेज, रुग्णालय, डिस्पेन्सरी, ॲम्ब्युलन्स हे सदर करेल सेवा देईल, म्हणजे सरकार रक्तदान करत नाही म्हणून कार्यकर्त्यांना समोर यावं लागतं। अशा उपक्रमात मी सगळ्यांना शुभेच्छाही देईन। आज आपल्या देशामध्ये रुग्णांची सेवा चांगली होत आहे, कधी नव्हे तो आपण या जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेज करता प्रयत्नातून मेडिकल कॉलेज सुरू झालेलं आहे। आता रुग्णांना नागपूरला जावं लागत होतं प्रत्येकांना, अनेकांना त्याची संख्या पण आता कमी केली। आपल्याला याच ठिकाणी रक्त आणि औषध उपचार ऑपरेशन मोठमोठी ऑपरेशन होऊ लागली आहेत मेडिकल कॉलेजमुळं। ही चंद्रपूर जिल्ह्याची एक मोठी गरज आपण पूर्ण केलेली आहे। अजूनही त्यामध्ये सुधारण्याकरिता प्रयत्न चालू आहे। अनेक रुग्णांकरता जागोजागी ॲम्ब्युलन्स ही साधी सुविधा आहे। मी आत्ता ज्या ठिकाणी एका मेडिकल स्टोअरचं उद्घाटन करून आलो, जेनेरिक औषधं देण्याकरता स्वस्त औषध दुकान या शहरामध्ये 6 ठिकाणी आपण ओपन केलेली आहे। ज्यामध्ये 30-70% कमी दरात औषधं मिळतात, ते गरिबांसाठी सामान्य कुटुंबियांसाठी फार गरजेचं आहे। हॉस्पिटलमध्ये आपण अमृत मेडिकल स्टोअर ओपन केलेलं आहे, त्या ठिकाणी स्वस्त औषधं मिळतात, चांगली गुणवत्ता स्टँडर्ड पाहूनच औषधं आपण विकतो त्या ठिकाणी, असंही दुकानं उघडली आहेत नव्यानं। आणि केंद्र सरकारने या रुग्णांकरता गरजूंकरता चांगले कार्यक्रम घेतलेले आहेत।